हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक कुकर में हम चने कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है इस कुकर में थोड़ा सा ऑयल, इसमें हम डालेंगे जीरा। देखिए हमने अंदर जीरा डाला है, तीन चार लौंग और काली मिर्च डाली है। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ, चार छोटे छोटे प्याज, दो टमाटर बड़े, उसका पेस्ट बना लिया है हमने, और जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम डाल देंगे ये प्याज कटी हुई, इसको हमने चॉपर में छोटा छोटा कर दिया। सबसे पहले हम ये प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और ये हम चने लिए हैं जिस कुकर में उबाल लिए थे पानी में, इसी कुकर में उबाले थे 10 मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी प्याज जो है वो भून रही है सौते। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्याज है वो सौते हो गया है, इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। और जब हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से रेडी हो जाए उसके बाद में हम इसको घी भी डाल देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका स्पीड जो कम है तो आप ये ऑन ऑफ स्विच दबा के वेजिटेबल जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटर हमारा पक चुका है, इसमें हम तीन चम्मच लाल मिर्च छोटी वाली, एक चम्मच हल्दी, चार चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये भी चने वाला जो पानी है वही डाल देता हूँ। मसाले डाले और जब तक ये अपना ऑयल अच्छे से निकाल लेता तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए कैसे पक रहा है। हम इसमें अपने चने डाल देंगे, अच्छे से फिर उस पर हम नमक और ये चने वाला पानी जो है उसमें डाल के 10 मिनट तक इसमें पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। इसमें हम ये चने का पानी जो हमने उबालते वक्त रखा था वही इसमें डालेंगे। बस इसको अब हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। और इसमें जो गोल गोल घूम रहा है वो अपने आप से ही सेट हो जाएगा कुछ मिनट के लिए, और फिर ये जब खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही बंद हो जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है।
तो फ्रेंड्स, हमने ये बेसिक वाले सेटिंग में चलाया है कुकर अपना, जो 20 मिनट दिखाता है, और ये चने जो हमारे हैं 20 मिनट तक पकेंगे। उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हो चुका है, तो 00 पे आ गया है और ऑटोमेटिक वार्म कंडीशन में हो गया है। अब इसको हम ओपन करेंगे, उसका बिस्तर हमने एयर निकाल लिया है। कैसा बने, ये देखिए हमारे चने एकदम मस्त पक चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस इसको हम वापस से बंद कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें बर्तन में निकाल लिया है और इसमें हरा धनिया डाल दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं हमारे चने। और एक ऊपर हमने बंद कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।